तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए वीडियो में। और मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा। और आज से आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। और ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक प्रॉब्लम को लेकर आया हूँ, जहाँ से कि आप लोग यहाँ पर एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर में होती है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब आप लोग अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जब आप लोग एडिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर यह जो है वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है ना। तो वहाँ पर यह प्रॉब्लम हो सकती है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती भी है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हैं, रेजोल्यूशन में आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कई सारी साइज़ यहाँ पर है ना। तो अगर आप लोगों को YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो देखिए 1280x720 दिया है ना, आप लोगों को इस पर रिकॉर्ड करनी है, जो कि मैं सही ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, अगर इसमें क्लिक होता है तो आपका वीडियो जो है सही ढंग से जो है रिकॉर्ड नहीं होता, और आपका जो है बग बताने लगता है उसमें, है ना। तो आप लोगों को जो है 1280x720 में ही अपनी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करनी है, इसलिए आपकी जो वीडियो है वो अच्छे से एडिट भी हो पाएगी, ठीक है। नहीं तो कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो इसी प्रकार से जो है आप अपने वीडियो का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस प्रकार से आप भी जो है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।